तारक मेहता का उल्टा चश्मा। भिड़े, ये क्या किया है? क्या तुम कब से कॉपी करने लगे? मैंने क्या कॉपी किया पोपटलाल? तू विचार, आज के मेरे तूफान एक्सप्रेस के आर्टिकल का यही हेडिंग है, देश में आजादी, समानता, भाईचारा और सच्चाई हो। 26 जनवरी की सबको बहुत बहुत बधाई हो। अरे वाह वाह, क्या सुविचार लिखा आपने। अरे क्या सुविचार लिखा है, कॉपी किया है कॉपी, और वो भी शिक्षकों का। बस पोपटलाल बस, मैंने जिंदगी में कभी कॉपी नहीं की और ना ही किसी को करने दी है। ये 100% मेरा सुविचार है, तुम मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हो। अरे तुम्हें सोच भी कैसे लगे मैं कॉपी कर सकता हूँ? अरे शांत 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 हो जा भाई, गदाधारी भी मैं मजाक कर रहा हूँ। वाह, एक शिक्षक पर कॉपी करने का इल्जाम लगा रहे हो और बोलते हो मजाक कर रहा हूँ। वो भी गणतंत्र दिवस पे। ओ भाई तू आग लगाना बंद कर। अरे भाई गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं भिड़े। अब्दुल मियां आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई। यस सभी को बहुत बहुत बधाई। बहुत बढ़िया सुविचार लिखा है। भाई भिड़े अब बता आज का खास कार्यक्रम क्या है? हाँ आज का खास कार्यक्रम है ध्वजारोहण। भाई वो सबको पता है 26 जनवरी को ध्वजारोहण ही करेंगे, कुछ और नहीं करेंगे। उसके बाद क्या खास कार्यक्रम है वो बता। उसके बाद हम लोग खेलेंगे फैमिली गेम। मतलब पत्नी वर्सेस पति। और मैं क्या करूंगा? तुम फ्री है? ए रेफरी रेफरी कर। अच्छा तुम लोग फैमिली गेम खेलोगे और मेरी पत्नी नहीं है तो मैं रेफरी गिरी करूंगा? भाई कैंसल करो अभी के अभी, कैंसल करो ये प्रोग्राम, ये गलत है ना भाई। शांत में हो जाओ गदाधारी भीम, जरा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, मैं भी मजाक ही कर रहा हूँ भाई। अच्छा भिड़े भाई एक्चुअल प्रोग्राम क्या है? अब्दुल मुझे इतना ही पता है कि 9 बजे ध्वजारोहण होने वाला है, उसके बाद क्या प्रोग्राम है वो टप्पू सेना को पता है, मुझे नहीं पता। अभी मुझे लेट हो रहा है, मुझे श्रीखंड लेने के लिए जाना है। हा? अरे वाह, मतलब आज पूरी सोसाइटी में सबको तुम्हारी तरफ से श्रीखंड पार्टी। मैं सबके लिए कप लेके आता हूँ। अरे ए, रुको भाई उत्साही, मैं पूरी सोसाइटी के लिए नहीं लेने जा रहा हूँ, मैं अपने घर के लिए लेने जा रहा हूँ। अभी तुम लोग भी रेडी हो जाओ, 9 बजे ध्वजारोहण करना है। चलो चलो बाय। तारक क्या हूँ, सुबह सुबह किसके बारे में लिखा जा रहा है? एक जिसके प्यार में बरसों से पागल हूँ। अच्छा जी, किसकी बात कर रहे? मेरा देश, मेरा वतन, मेरा मुल्क हिंदुस्तान, जब से पैदा हुए ना तब से इसके प्यार, उसी बारे में लिख रहा हूँ। वो बात तो है, देश प्रेम तो अलग ही प्रेम होता है, और वैसे भी आज तो 26 जनवरी है, तो इसी खुशी में अंजलि तारक मेहता की ओर से तारक मेहता के लिए गर्मा गर्म हलवा। क्या बात है भाई, भगवान करे 26 जनवरी रोज आए। मतलब? अरे भाई इस मिठाई के लिए नहीं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ ताकि 26 जनवरी के दिन जैसा देश के लिए लिखने की प्रेरणा मिलती है ना, वैसे 365 दिन मिलती रहे, हर रोज मिलती रहे। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे पता है अंजलि, जब देश के बारे में कुछ लिखते है ना तो दिमाग की जरूरत ही नहीं पड़ती, कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, दिल से एक एक शब्द ऐसा फूटता है कि पूछो ही मत, कलम अपने आप चलने लग जाती है। देशभक्ति का जज्बा ना अलग ही होता है। सुनाइए ना क्या लिखा है। नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। जो लिखा है उसे अकेले सुनने में क्या मजा आएगा अंजलि, सबके साथ सुनाने में जो मजा आएगा ना वो देखना तुम, मैं इसे झंडा रोहण के बाद ही सुनाऊंगा। ठीक है बाबा, जैसे आप चाहें। लेकिन तारक हम आज 26 जनवरी मनाने वाले हैं कि नहीं, ध्वज वंदन करने वाले हैं कि नहीं? बाहर तो कोई चहल पहल दिख नहीं रही है। अरे चिंता मत करो भिड़े, और टप्पू सेना है ना, वो कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे, अभी तो तुम बस ये हलवा खिलाओ। अरे दया चाय ला। अरे जगिया। हाँ बाबूजी। तो अभी तक तैयार नहीं हुआ? नहीं आज कहाँ दुकान जाना था, छुट्टी है ना बापूजी? छुट्टी है आज? छुट्टी है आज, 26 जनवरी है ना बापूजी? 26 जनवरी को तू छुट्टी बोलता? 26 जनवरी के रविवार है। अरे आज हमारा गणतंत्र दिवस है, ये देख टीवी में देख, यहाँ लोग सुबह जल्दी उठ के देश के लिए परेड कर रहे हैं, और तू तू सुबह जल्दी उठ के छुट्टी मना रहा है, चाय के ऑर्डर दे रहा है। बापूजी मैंने नहा लिया है, अभी चाय पी के फटाफट तैयार भी हो जाता हूँ। अरे दया लाई लाई। हाँ बापूजी। टप्पू कहाँ है? टप्पू अपने कमरे में ही होगा। कमरे में तो नहीं है। तू कहाँ चला गया टप्पू? अरे जा जा के कहाँ जाएगा, गोली या गोगी के घर पे होगा। अरे हाँ अभी बुलाती हूँ बापूजी। अरे चाय लेके कहाँ जा रही है भाई? बोला सॉरी सॉरी। आइयो
अरे कोमल भाभी। हाँ बोलिए दया भाभी। टप्पू आपके यहाँ आया है? नहीं तो इनफैक्ट मैं आपको पूछने वाली थी कि क्या गोली आपके घर आया है? नहीं गोली हमारे यहाँ नहीं आया है। रोशन भाभी के घर गए होंगे, उनको पूछते हैं। हाँ। रोशन भाभी, रोशन भाभी सुन रहे हो? रोशन भाभी गोली और टप्पू आपके घर पे है ना? अरे नहीं रे नहीं, और गोगी निकरा भी सुबह से गया है, मुझे लगा आप में से किसी के घर पे होंगे बच्चे। हाँ? तो फिर टप्पू गोली गोगी कहाँ गए होंगे? माधवी भाभी के घर पे होंगे, उनको पूछते हैं। माधवी भाभी, माधवी भाभी, माधवी भाभी। अरे वाह वाह वाह, पूरी मंडली बाहर, क्या हुआ? माधवी भाभी बच्चे आपके घर पर है ना? हाँ। मेरे घर नहीं तो मुझे लगा आप में से किसी के घर है। अरे कमाल है, सुबह सुबह बच्चे कहाँ चले गए? मेरी बेबी ने तो नाश्ता भी नहीं किया है। अरे सोनू ने भी नहीं किया, वो भी सुबह से बाहर ही है। कहाँ गए होंगे बच्चे? दया भाभी आप टेंशन मत लीजिए, बच्चे यहीं कहीं होंगे। हाँ हाँ, और वैसे भी अभी 9 बजने वाले हैं, हम लोग ध्वजारोहण के लिए मिलने वाले हैं ना, तब तक टप्पू से ना आ जाएगी। दया भाभी चिंता मत कीजिए। हाँ हाँ आ जाएगी। हाँ, तब तक हम तैयार हो जाते हैं और हम सब नीचे फ्लैग होस्टिंग के लिए मिलते हैं। अरे टप्पू के पापा आप अभी तक चाय पी रहे हैं? चलिए जल्दी कीजिए, 9 बजे सोसाइटी कंपाउंड में ध्वजवंदन के लिए जाना है। टप्पू मिल गया? हाँ पूरी टप्पू से ना साथ में ही है। पापू जी को बताया? सुना मैंने। अच्छा अच्छा ओके ओके, अच्छा ओके, चलना भाई जल्दी से चाय पी के तैयार हो जाना, 9 बजने वाले। ओके चाय ले जाना। हाँ मैं अभी फटाफट तैयार हो जाता बापू जी। ओ आज ध्वज वंदन कौन कर रहा भाई? सोड़ी ध्वजारोहण कौन करने वाला है, कब करने वाला है, क्या प्रोग्राम है, ये सब टप्पू सेना को मालूम है। ओ, तो भाई टप्पू सेना कहाँ है? क्या मालूम, एक नया टेंशन है अभी। अरे भिड़े इसमें टेंशन की क्या बात है? मैं तो साहब बच्चे सुबह से गायब है। हाँ घर पे ही नहीं है सुबह से। घर पे नहीं होंगे तो क्लब हाउस में होंगे बच्चे। नहीं क्लब हाउस में नहीं है, चाबी तो मेरे पास है क्लब हाउस की। अरे तब फिर किधर गए होंगे? अरे वो तो टप्पू को ही पता होगा ना, क्योंकि टप्पू से ना जो भी उल्टा सीधा काम करती है उसके पीछे मेन आइडिया तो टप्पू का ही होता है। बोलो चलो इसमें भी अभी टप्पू का ही नाम। मुझे तो लगता है टप्पू तेरी वजह से ही सब शरारत करता है, कि मैं अगर शरारत नहीं करूंगा फिर भी भिड़े अंकल मेरा इनाम लेने वाले, तो इससे अच्छा मैं शरारत कर ही देता हूँ। अरे बख्श दे भाई टप्पू को, बख्श दे प्लीज। अरे जेठालाल क्या कर रहे हो आप लोग, इस वक्त तो लड़ना छोड़ो भाई। हाँ। यही बात है भाई। अरे एक काम करो, बच्चों को फोन लगा के देखो। हाँ। हाँ। पर गोली का फोन तो घर पर ही है। और हमारा टप्पू भी मोबाइल फोन घर पर भूल गया है। हाँ। हाँ। हाँ, सोनू भी। और हमारा गोगी तो अब तक स्कूल में है तो हमने उसे मोबाइल नहीं दिया है। गुड गुड, चांगले चांगले। पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कल रात के गुटली मार प्रोग्राम का उन पर कुछ असर हुआ है। हाँ हो सकता है। नहीं जेठा भाई, क्योंकि कल तो उन्होंने हमसे माफी मांग ली थी और हमने भी माफ कर दिया था ना उनको। हाँ, और कल का प्रोग्राम तो एकदम सरस रीते हंसी खुशी से फिनिश हुआ था। हाँ, और हम सब ने मिलकर जम के पंगड़े भी किए थे। बले, 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 बले। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मम्मी पापा को खुश करने के लिए झूठ मूठ की खुशी दिखाई। सोचिए अगर बच्चे सच में खुश थे तो फिर अभी यहाँ क्यों नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने कल हमसे माफी तो मांग ली लेकिन हमसे अभी भी शर्मिंदा है? मुझे तो लगता है ऐसा ही हुआ है, पर ये सब भिड़े तेरी वजह से हुआ है। जेठालाल मेरी वजह से कैसे बोल सकते हो? और फंक्शन का आइडिया मेरा नहीं था, मैं था सबका था।
अरे भले फंक्शन का आइडिया मेहता साहब ने दिया, लेकिन मॉल से आके अगर कोई इतना गुस्सा नहीं हुआ होता तो मेहता साहब ने आइडिया दिया नहीं होता, और आइडिया दिया नहीं होता तो एक प्रोग्राम ही नहीं होता, और प्रोग्राम नहीं होता तो बच्चे भी नाराज होकर गायब नहीं होते। हाँ आइडिया बिल्कुल मेरा था, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस प्रोग्राम की वजह से बच्चे कहीं नहीं गए। ओ यारो, फिर किसकी वजह से गए हैं यार? सोड़ी वजह जो भी हो, अभी 9 बजने वाले हैं, अगर वो 9 बजे तक नहीं आते तो हम लोग ध्वजारोहण कर लेंगे। हाँ नहीं लगेगा भिड़े मास्टर। भाई कैसी बात कर रहे हो भिड़े, टप्पू सेना के बिना ध्वजारोहण कैसे कर सकते हैं? कितने साल में कभी हमने ऐसे किया है? नहीं नहीं, माना कि आज तक हमने ऐसा नहीं किया, लेकिन आज करना पड़ेगा, समय पे ध्वजारोहण होना ही चाहिए। मैं 3 तक गिनूंगा, अगर टप्पू सेना आती है तो ठीक है, वरना हम लोग ध्वजारोहण कर लेंगे। 1 अरे 2 एक मिनट। आप लोगों को कोई आवाज सुनाई दे रही? जैसे कहीं बैंड बज रहा है। जान, इसको हमेशा शादी का बैंड ही सुनाई देता है बैकग्राउंड में। कि भाई कान बज रहे तुम्हारे पोपटलाल? अरे भाई कान नहीं बज रहे, बैंड ही बज रहा है, ठीक से सुनो। हाँ, ये आवाज तो धीरे धीरे नजदीक आ रही है। हाँ बराबर। सब लोगों ने हमारे बच्चे ध्वजारोहण की तैयारी करने गए थे, और तुम सब लोग क्या क्या सोच रहे थे? देखा बड़े मास्टर, लेकिन मानना पड़ेगा भाई टप्पू सेना बैंड एकदम फर्स्ट क्लास है। वेरी नाइस। आप लोगों ने तैयारी कब की है बैंड की? अरे पोपट अंकल, ये प्लान तो हमने कल रात को ही बना लिया था। क्या बात है, इंटेलिजेंट। और टप्पू सेना, आप जल्दी से बता दो कि इस बार ध्वजारोहण कौन करने वाला है? अरे क्या अय्यर भाई, कैसा सवाल पूछ रहे हैं आप? क्यों, हर बार ध्वजारोहण तो बापूजी करते हैं ना, तो वही करेंगे। अरे नहीं नहीं, इस बार ध्वजारोहण करने का मौका किसी और को मिलना चाहिए, और मैं तो कहता हूँ इस बार ये मौका किसी महिला को मिलना चाहिए। नहीं नहीं चाचा जी प्लीज, हमेशा से ध्वज वंदन आप करते, तो इस बार भी आप ही करेंगे। सही बात है, सही बात। हाँ चाचा जी, सुनिए, इस बार ध्वजारोहण के लिए हमने कुछ खास लोगों को बुलाया है। हाँ। अरे वाह, बुलाया तो यहाँ बुलाओ भाई, कौन है वो लोग? हम भी तो देखे। एक मिनट आइए आइए, आप लोग आइए। अरे कौन है? अरे वाह, तो ये है आज के खास मेहमान। ये पाउडर गली के सफाई कर्मचारी है। जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारे देश में स्वच्छता अभियान बड़े जोरों शोरों से चल रहा है, और इस स्वच्छता अभियान को सफल बनाने में इनका सबसे बड़ा हाथ है। निर्विवाद, ये हमारी सड़कों को, मोहल्लों को, बाग बगीचों को, पूरे देश को साफ रखने में मदद करते हैं। सही बात है, हमारे जीवन और आंगन को स्वच्छ और सुंदर रखने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और आज इनके हाथों ध्वजारोहण करवा के इन सभी को सम्मानित करने का फैसला किया है। यस, शाबाश टप्पू सेना, शाबाश। तुम लोगों ने एकदम सही फैसला लिया है। थैंक यू। टप्पू सेना बहुत बढ़िया।
हाँ वेरी गुड वेरी गुड। तो आइए अभी वो ध्वजारोहण करने का टाइम हो गया है। आइए 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 आइए। आज के इस 26 जनवरी के मौके पर मैं चाहता हूं कि हमारे सफाई कर्मचारी हम सभी को दो शब्द कहे। हाँ हाँ आज 26 जनवरी के अवसर पर आप सभी लोगों ने हम लोगों को यहाँ बुलाकर हम लोगों से जो ध्वजारोहण करवाया, हमें इतनी इज्जत दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे हम आप लोगों से वादा करती हैं कि ये जो स्वच्छता अभियान चल रहा है, इसको सफल बनाने के लिए हम जी जान से मेहनत करेंगे। अगर देश में स्वच्छता होगी तो देश की प्रगति होगी। बिल्कुल। स्वच्छता अभियान चलाना है, देश को चमकाना है। चाचा चाची चाओ ताई आओ मिलकर करें सफाई। मैं दादाजी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस देशभक्ति के मौके पर हम सभी को दो शब्द कहे और हमारा हौसला बढ़ाए। सबसे पहले तो मैं हमारे सफाई कामदार भाई और बहनों का स्वागत करता हूँ और उनका अभिवादन करता हूँ। वेलकम वेलकम टू आवर लोकल सोसाइटी। 26 जनवरी हमारा राष्ट्रीय पर्व है, ये हमारा गणतंत्र दिवस है, हम सब के लिए ये बहुत ही गौरव भरा दिन है। लेकिन आज के युग में कुछ लोग इसका महत्व भूल गए। भारत देश को स्वतंत्र गणराज्य बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान को लागू किया गया था। हमारा देश गणतंत्र बना था और गणतंत्र का अर्थ होता है लोकतंत्र। हमारे देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसलिए इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। और इस संविधान के वजह से ही आज मेरा बेटा खुल के अपना व्यवसाय कर सकता है, मैं तू अपने दिल की बात लिख सकता है, पोपट जैसे पत्रकार निर्भय होकर सच्चाई को छाप सकते हैं, बच्चे अपनी मनचाही पढ़ाई कर सकते हैं, माधवी जैसी महिलाएं मन चाहा उद्योग कर सकते हैं, अय्यर जैसे वैज्ञानिक विज्ञान के क्षेत्र में बिना किसी रोक टोक के नई नई खोज कर सकते हैं। यस यस। और ये सब करने की आजादी हमें हमारे संविधान ने दी है, इसलिए आज के दिन हम हमारे महान संविधान को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करते हैं उन शहीदों को जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। जय हिंद जय भारत। वाह वाह चाचा जी वाह। दोस्तों ये है गोकुल धाम।
ये सारी दुनिया को अलग नजरिए से देखता है। तभी तो गोकुल धाम में गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण हमारे स्वच्छता कर्मचारियों से, हमारे सफाई कर्मचारियों से करवाया जाता है। हमारे वो सफाई कर्मचारी जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमारे गांव को, गली को, मोहल्ले को और देश को स्वच्छ रखते हैं। और ये जरूरी भी है कि इस मौके पर उन्हें यहाँ इस तरह से आमंत्रित करके हम बेहद गौरवान्वित हैं। और वैसे भी गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर सभी को याद दिलाना है कि गणतंत्र दिवस का अर्थ नहीं है सिर्फ नारे लगाना, नहीं है सिर्फ जश्न मनाना, नहीं है सिर्फ झंडा फहराना। गणतंत्र का अर्थ है हमारे देश के प्रति कर्तव्य को निभाना, देश को सबसे ऊंचे मकाम पर ले जाना। गणतंत्र का सही अर्थ है शहीदों की शहादत के मूल्य को चुकाना, देश के प्रति अपने फर्ज को निभाना, देश को नई बुलंदियों तक ले जाना। तो आइए आज आप और हम मिलकर प्रतिज्ञा लें कि इस देश की सफलता की राह में जो भी बाधा होगी हम दूर करेंगे, अपना कर्तव्य निभाएंगे। और यहाँ गोकुल धाम सोसाइटी में गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर और क्या क्या होने वाला है ये जानने के लिए आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। भारत माता की जय। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.